हेलो दोस्तों, देखिए अगर आपने इस वीडियो को थंबनेल देखकर जो ओपन किया है तो वो सारे डाउट को क्लियर करूंगा। लोगों को क्या करें जो 1 लाख में एक सीट मिल जाए, और क्या गलतियां कर रहे हैं आप लोग जो अभी भी उसको सुधार सकते हैं, तो मैं इन सारी चीज़ों पे आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो जितने भी लोग हैं पूरा वीडियो देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा क्या ये बातें सच है क्या गलत है, और आप लोग क्या गलतियाँ कर रहे हैं और क्या गलतियाँ ना करें। देखिए सबसे बड़ी बात, अगर एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने की बात करें ग्रुप डी के लिए, तो देखिए अगर आप अभी भी चाहें तो 0 से तैयारी करके एग्ज़ाम को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। और एक बात है, बहुत सारे लोग सोचते हैं क्या मैं पेड कोर्स लूँ या फिर यूट्यूब से पढ़ूँ। एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आपको 0 रुपये भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, 0 रुपये का भी कोर्स नहीं खरीदना है आप लोगों के लिए। यूट्यूब पर इतनी फ्री क्लासेज हैं, इतने भी फ्री क्लासेज, चाहे साइंस हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, आप उसको फ्री क्लासेस को पढ़ के आसानी से मात्र 2.5 से 3 महीने में ग्रुप बी को क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी गलती आप लोग करते क्या हैं, मैं हमेशा एक चीज़ों पे आप लोगों के लिए हमेशा एक चीज़ों पे चर्चा किया हूँ, जिस चीज़ों पे आप लोग हमेशा बार बार बोलता हूँ, वो हम मैथ। आप सिर्फ 2 सब्जेक्ट पे पकड़ बना लीजिए, एक मैथ दूसरा रीजनिंग, आपका 101% कहता हूँ ग्रुप डी क्या NTPC CBT 2 कोई भी एग्ज़ाम आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। मैं मानता हूँ जीके को पढ़ना मुश्किल है, उसको समझना मुश्किल है, लेकिन आप देखिए रीजनिंग को कर सकते हैं, लेकिन मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। अगर आप उसको नहीं पढ़ते हैं तो आपसे बड़ा गलती कोई नहीं कर सकता, और आप इस चीज़ों को बाद में पछतावा करेंगे। बहुत सारे लोग देखिए अभी NTPC CBT 2 की डेट नहीं आई है, लेकिन 7th फेज का देखिए एग्ज़ाम तो होने वाला है, और ये एग्ज़ाम हो रहा है 23 तारीख से, तो जब तक ये एग्ज़ाम होगा उसके बाद ग्रुप डी का आपका प्रोसेस चालू होगा। तो बहुत सारे लोग इसमें कन्फ्यूजन में हैं, वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं इस समय को, अपने जो समय मिला है उसको भी नहीं समझ पा रहे हैं कि हमको पढ़ें कि ना पढ़ें। तो उनके लिए भी मैं यही बातें बोलना चाहता हूँ, वो हमेशा कहते हैं मोटिवेशन के लिए या बहुत सारी चीज़ों के लिए वो पढ़ने का मन नहीं लगता, तो मैं उनको यही बताना चाहता हूँ, आप भले ही कोई वीडियो देखें, भले आप इंटरेस्टिंग वीडियो देखें, कोई भी वीडियो देखें जो आपको अच्छा लगता है, लेकिन उसको देखते वक्त आप प्रायोरिटी किसको देनी है, सबसे पहले आपको अपनी पढ़ाई को प्रायोरिटी देनी है कि हमें एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो पढ़ना है। और मैं हमेशा बार बार कहता हूँ, अब हर चीज़ को कवर कर लेंगे, लेकिन अगर आप मैथ रेगुलर नहीं कर रहे हैं तो आप मैथ कभी कवर नहीं कर सकते हैं। और जो लोग अभी भी नहीं समझ रहे हैं इस बातों को, उनके लिए बहुत ही प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि देखिए आपका हमेशा ये समय नहीं मिलेगा आपका जो पढ़ने का अभी इस टाइम है। देखिए जो लोग बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं मानता हूँ थोड़ा डीमोटिवेट हो जाते हैं कि एग्ज़ाम नहीं हो रहा। देखिए प्रॉब्लम सबको आती है, डीमोटिवेट सब होते हैं, लेकिन जो नए तैयारी करने वाले हैं उनके लिए तो जो प्रायोरिटी मिली है पढ़ने के लिए, जो समय मिला है उसको कैसे मैनेज करें, वो लोग ये गलती कर रहे हैं। और जो पहले से भी तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी का एग्ज़ाम 2018 वाला का भी दिए हैं या ELT का भी एग्ज़ाम दिए, अदर भी एग्ज़ाम दिए हैं, उनको तो ये चीज़ों को समझना ही चाहिए कि मेरी क्या वीकनेस थी जिसकी वजह से नहीं होता एग्ज़ाम। तो मैं हमेशा एक ही चीज़ कहता हूँ मैथ, ठीक है, मैथ और रीजनिंग को एक बार आप पकड़ बना लीजिए, आप ग्रुप डी कोई भी एग्ज़ाम आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन आप लोग इस चीज़ों को नहीं समझते हैं, बहुत सारे लोग पेड कोर्स खरीद रखे हैं। देखिए पेड कोर्स से कुछ नहीं होने वाला है, जो लोग खरीदे हैं उनसे पूछिए, ठीक है, और जो लोग यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं उनको पता चल जाएगा सेम कंटेंट होता है, बस ये रहता है कि आप उसमें पैसे लगाते हैं तो आपको लगता है कि मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। आप पैसे लगाइए चाहे जो कहिए, जब तक आप अपने कंसंट्रेशन के साथ, अपने खुद के जिम्मेदारी के साथ नहीं पढ़ते आपका एग्ज़ाम नहीं निकल सकता है। तो ग्रुप डी के एग्ज़ाम डेट को जो लोग लेकर के बहुत ही भ्रमित हैं, बहुत सारी चीज़ों को वीडियो देखते रहते हैं, वो सोचते हैं जब एग्ज़ाम आएगा तो हम 1 महीने में कवर कर लेंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। एग्ज़ाम को क्वालिफाई हमेशा वही बच्चे करते हैं जो पहले से अपनी तैयारी को बना के रखते हैं। मैं तो ये भी बताता हूँ हर एक वीडियो में, यही बताता हूँ कि आप भले ही रोज़ टेस्ट ना लगाएं, लेकिन आप पढ़ते तो रहें, जब एग्ज़ाम आया तो 1 महीने से आप टेस्ट लगाना चालू करें, और अगर अभी भी टेस्ट नहीं लगा सकते तो 1 सप्ताह में 1 टेस्ट तो जरूर दें। लेकिन आप लोगों को यही लगता है कि एग्ज़ाम नहीं हो रहा, बहुत सारे लोग नहीं पढ़ते। अभी आप लोगों के लिए मैं एक प्रूफ बताना चाहता हूँ, आप किसी भी टीचर का वीडियो उठा के देख लीजिए जो अभी क्लास लेते हैं, ठीक है, किसी भी यूट्यूब चैनल पर, उस पर देखिए जो एजुकेशन के वीडियो हैं, देखिए बहुत कम व्यू आए हैं, ये आप लोग खुद प्रैक्टिकली किए होंगे, इस खुद समझे होंगे, लेकिन जब एग्ज़ाम आता है आप देखते हैं लाखों में, 2 लाख 3 लाख बहुत लाखों में व्यू आने लगते हैं। तो क्या वो हमेशा पढ़ते हैं? नहीं, वो सिर्फ भीड़ इकट्ठा करते हैं, उनको लगता है कि मुझे 1 महीने में पढ़ के हम ग्रुप डी या कोई भी एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। तो ऐसे लोग हमेशा प्रिपरेशन करते रहते हैं, 1 साल 2 साल फिर अगले साल वैकेंसी आती है, लेकिन जो अभी जो पढ़ रहे हैं बच्चे उनसे अच्छा कंसंट्रेशन जो बना के पढ़ रहे हैं उससे अच्छा खुद से वो मोटिवेट हैं।
इसलिए आप लोग मैं हमेशा बताता हूँ ग्रुप डी का या किसी भी का आपको एग्जाम डेट का जो है, खास करके ग्रुप डी के लिए बहुत सारे बच्चे, क्योंकि इसके लिए काफ़ी सारे बच्चों ने अप्लाई किया, तो इसमें बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं इसका एग्ज़ाम कब होगा। तो आप मान के चलिए, देखिए NTPC का जब 7th फेज का एग्ज़ाम होने वाला है तो आपको अगस्त सितंबर बताया नहीं, इसमें से आपका जो है एग्ज़ाम चालू हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें सीधे से बोला गया था, आपका नोटिस में भी बताया गया जो 7th फेज में आया था, 20 अगस्त से ग्रुप डी के बारे में उसमें बातें बोली गई हैं। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल भी, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप भले ही कुछ और वीडियो देखें यूट्यूब पर या इंटरेस्टिंग वीडियो देखें, फेसबुक पर देखें, कुछ भी देखें, लेकिन एक बात आपको ये चीज़ समझ के रखना है कि प्रायोरिटी पहले किसको देनी है। प्रायोरिटी सबसे पहले आपको एजुकेशन वाले को देनी है। आप भले उसको थोड़ा माइंड को रिलैक्स करने के लिए इंटरेस्टिंग वीडियो देख लेते हैं, लेकिन आपके दिमाग में ये बात रहनी चाहिए कि मैं उसी वीडियो को ज़्यादा प्रायोरिटी दूंगा जो मेरे से रिलेटेड है, जो मेरे एग्ज़ाम से रिलेटेड है। उम्मीद करता हूँ सारी बातों को आप लोग अच्छे से समझे होंगे और उनको फॉलो ज़रूर करेंगे, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं, यही वो समय रहता है जब आप अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं और आगामी आने वाले एग्ज़ाम को बहुत ही आसानी से आप लोग क्रैक कर जाएंगे। उम्मीद करता हूँ अगर इस जानकारी से या कुछ बातों से आपको कुछ सीख मिली होगी तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह के और भी वीडियो लेके आता हूँ आप लोगों के लिए, इन्फॉर्मेशन वीडियो लेके आता हूँ, और मैं सबसे बड़ी बात आप लोगों के लिए प्रीवियस पेपर के प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। जो लोग पुराने हैं उनको पता होगा, वो लोग रेगुलर हमारी क्लासें करते हैं। चलिए फिर मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों आप लोगों का धन्यवाद।